आज पढ़ेंगे परमाणु की संरचना का बोहर मॉडल। पिछले लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था और रदरफोर्ड मॉडल की ये सबसे बड़ी कमी थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना, 14वें चैप्टर का पहला लेक्चर है 14.1 करके है। आज अपने दूसरा लेक्चर में बात करेंगे कि बोहर ने क्या क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा था ये, इसकी अभिग्रही पूछी थी। इसकी कुल मिला के चार अभिग्रही है, चार परिकल्पनाएं हैं जो बोहर ने मानी। बोहर उन चार चीजों को मान के चला और फिर उसने अपना उत्तर निकाला। अब चार चीजें जो मानी उसमें अभिग्रही एज इट इज याद रखनी है। दो नंबर अभिग्रही इतनी इंपॉर्टेंट है कि दो नंबर जो अभिग्रही है वो बहुत बार पेपर में अकेली पूछी हुई है और आपको याद रखना है कि अभिग्रहित जो है वो उसी तरीके से याद रखनी है, पहली पहले पे याद रखनी है, बाकी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं टॉपिकों में, इस टॉपिक में ऐसा नहीं होगा। दूसरी दूसरे पे याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे याद रखनी है। पहली के अंदर क्या कहता, आपको पता जब कोई भी चीज वृत्त में घूमती है, अब इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन का वेग उसका स्पर्श रेखा खींच के दिया जाता है और त्रिज्या आर है, आर त्रिज्या के पथ पर वी वेग से कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और कौन सा नाभिक है जिसमें जेट प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन जेट है नाभिक के अंदर, अगर नाभिक है जेट एक्स ए, ऐसे लिखते हो नाभिक को, जेट प्रोटॉन होते हैं उसमें, ये बाद में 15वें चैप्टर में स्टडी करेंगे ये क्या होता है। पहले जेट याद रखो प्रोटॉन है, बस एक प्रोटोन का आवेश होता है प्लस ई, तो जेट प्रोटोनों का हो गया प्लस जेट ई, यानी कि इसके केंद्र में प्लस जेट ई आवेश है। दो प्रोटॉन जैसे हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था प्लस दो ही हो जाता है, लिथियम में तीन होते हैं तीन ही, बेरिलियम में चार होते हैं चार ही, सोडियम में 11 होते हैं 11 ही, जिंक में 30 होते हैं 30 ही, है ना। उस तरीके से कोई जेट है तो जेट कुछ भी जेट हो सकता है। अब इसका मतलब आवेश प्लस जेट ही है तो इसको मैं क्यू वन कह दू, क्यू वन इतना है और क्यू टू है ई, इन दोनों के बीच में कूलाम पर कितना लगेगा, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, क्यू वन की जगह जेड ई, क्यू टू की जगह ई, के जेड ई बटे आर स्क्वायर। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करवाता है ये कूलाम बल, और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, किसी भी चीज को सर्कल में घूमना हो ना वृत्त में घूमना हो तो अभिकेंद्रीय बल जरूरी होता है, और ये अभिकेंद्रीय बल का मान पिछले साल 11वीं क्लास में आपने पढ़ा एम वी स्क्वायर बटे आर, ये अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर बटे आर होता है, ये इसके बराबर हो जाता है। ये बोर मॉडल की कौन सी परिकल्पना है, ये पहली परिकल्पना बोर मॉडल की है। दूसरी परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वो कोणीय संवेग की बात करता है और वो क्या कहता है कि अगर कोई कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा उसी कक्षा में गति करेगा, ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से नहीं गति कर सकता, कुछ फिक्स कक्षाएं होगी, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जिसका कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग क्या होता है, संवेग गुणा दूरी, एक तरीके से सीधी भाषा में, उसी में गति करेगा जिसका कोणीय संवेग एम, यानी कि संवेग एम वी और दूरी आर, यही हो जाएगा संवेग एम वी, जैसे ये गति कर रहा है तो दोनों के बीच की दूरी आर होगी और संवेग इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम हो तो एम वी हो, संवेग जो होता है वो एच बटे दो पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी कि एन का गुणा हो जाए उससे, जहां पर एन क्या होता है एन जीरो एक दो, जनरली एन क्या होगा पहली कक्षा एक से शुरू होगी, एक दो तीन चार, ये होता है जिसको आप कहते हो मुख्य क्वांटम संख्या, चार क्वांटम संख्याएं होती हैं उनमें ये पहली मुख्य क्वांटम संख्या होती है, एन का मान एक हो, ये मेरे पास नाभिक है जेडी, इसके चारों ओर पहली कक्षा एन एक हो जाएगा, थोड़ा एक कंसंट्रेशन बनाना एकाग्रता, पहली कक्षा का जेड एन एक हो जाएगा, दूसरी कक्षा पहली कक्षा का एन एक है तो उसका क्या हो जाएगा एन एच बटे दो पाई हो जाएगा, एच बटे दो पाई, इसका एल वन हो जाएगा एच बटे दो पाई, दूसरी का एन टू हो जाएगा दो एच बटे दो पाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें एन दो हो जाएगा, और पहली कक्षा को बोलते हैं के शेल, दूसरी को बोलते हैं एम कोश, फिर आ जाएगा एम कोश, जहां पर एन थ्री आ जाएगा थ्री एच बटे दो पाई,
और m की वैल्यू हो जाएगी 3 k l m n o इस तरीके से चलता रहता है। ये चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो लेकिन ये आपकी कहां से यहां से। और जो h बटे 2 पाई उसके अंदर h है वेयर मतलब जहां h होता है प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁴ जूल सेकंड। अब बोहर ने एक काम और किया इस h बटे 2 पाई को वो h कट भी लिख देता है l बन जाता है mvr बराबर mh कट NH कट याद रखना। और H कट जहां पर क्या है H बटे 2 पाई है H की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है उसमें 2 पाई का भाग दे दो उत्तर आ जाता है 1.054 × 10⁴ − 34 इसका मात्रक भी जूल सेकंड ही रहता है। ये आपको याद रखनी है वैल्यू कभी नहीं भूलनी। इसका मतलब उसी कक्षाओं में गति करेगा इलेक्ट्रॉन जिसका कोणीय संवेग इतना होगा इतना बीच में कहीं नहीं गति कर सकता खुला आसमान है यहां भी नहीं गति कर सकता इन्हीं में गति कर सकता है जिसमें कोणीय संवेग कितना होगा एनएच बटे 2 पाई यानी कि उसके वेग का उसकी त्रिज्या के साथ जब गुणा कर दे तो इतना आ जाएगा। पहली कक्षा की त्रिज्या क्या है ये r1 दूसरी कक्षा की ये r2 तीसरी कक्षा की त्रिज्या ये r1 पहली कक्षा में वेग v1 दूसरी कक्षा में वेग ऐसे v2 तीसरी कक्षा में वेग ऐसे हो जाएगा v3 समझ रहे हो। nवीं कक्षा में vn और त्रिज्या nवीं कक्षा की rn ये दूसरी हो गई अभिग्रहित तीसरी और चौथी अभिग्रहित देखते हैं। दो अभिग्रहित हो गई मैं फिर से कह रहा हूं दूसरी अभिग्रहित बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझते हैं। दूसरी अभिग्रहित एक बार समझती है अभी बहुत एक और चीज यहां पर एच जो है वो एच बटे 2 पाई का कुल गुण है पहली कक्षा के लिए एन एक हो जाएगा पहली कक्षा जो बनाई है उसका मैंने लिखा है ग्रीन कलर से एच बटे 2 पाई है उसका कोणीय संवेग। दूसरी कक्षा का 2h बटे 2 पाई ये देखो k कक्षा l कक्षा कोश है m कोश तीसरी का 3h बटे 2 पाई त्रिज्या का एक r1 वेग v1 दूसरे की r2 वेग v2 तीसरे की r3 वेग v3 ये मेरे पास तीनों कक्षाएं होंगी। अब बात करते हैं तीसरी अभिग्रहित की। तीसरी अभिग्रहित कहती ना इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना किसी भी एक कक्षा के अंदर तो ना तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा ना वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। किसी एक कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है तो इस कक्षा में घूमते हुए ना तो एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा सिंपल है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट ये कहता है जब एक कक्षा में गति कर रहा है तो ऊर्जा ना लेता है ना देता है लेकिन जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जंप करता है इससे वो इसमें आ जाए या इससे इसमें आ जाए ऊपर वाले से नीचे वाले में आ जाए तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करता ही करता है। आप खुद देखिए वो कहता अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E2 है निम्न ऊर्जा स्तर E1 है जब वो उच्च ऊर्जा स्तर E2 से निम्न ऊर्जा स्तर E1 में आएगा ना तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एक फोटोन उत्सर्जित करता है और फोटोन की ऊर्जा आपको मैंने पढ़ा दी है एच नहीं होती है और वो उतनी ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है जितना ऊर्जा अंतराल है दोनों लेवल के बीच का ऊपर वाले ऊर्जा स्तर और नीचे वाले ऊर्जा स्तर के बीच का जो गैप है E2 − E1 उतने का फोटोन वो उत्सर्जित करेगा। ये तो है फोटोन का उत्सर्जन क्योंकि इसमें वो ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन अगर वो नीचे से ऊपर कर जाएगा जब उसको ऊर्जा दी जाएगी नीचे से ऊपर जाना है ऊपर ज्यादा ऊर्जा है जब वो ऊपर नीचे से ऊपर उसको भेजना है E1 से E2 में भेजना है यहां से नीचे से उठा के ऊपर लेके जाना है तो उसको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी यानी बाहर से फोटोन लाना पड़ेगा ऐसे करके और उस फोटोन की ऊर्जा भी E2 − E1 = h𝛎 होनी चाहिए यानी कि E2 − E1 = h𝛎 होता है। न्यू को मैं सी बटे लैमडा लिख सकता हूँ एच सी बटे लैमडा हो गया यहां से आप लैमडा भी निकाल सकते हो एच सी बटे E2 − E1 कोई दिक्कत नहीं है कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो ऐसा समझ में रखना है बस कि दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस ले लो मान लो चलो समझ लो मान लो इस लेवल की ऊर्जा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस लेवल की ऊर्जा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन जब 10 वाले से 2 में आएगा तो कितनी ऊर्जा इमिट करेगा 10 − 2 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में बदल लो 1.6 × 10⁻¹⁹ से गुणा करके और यहां से यहां तक भेजना पड़े 2 वाले से 10 वाले में तो उसको
हमें देने पड़ेंगे 8 उसको जूल एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी देके वहां भेज देंगे। ये है चौथा नियम। अब डेरिवेशन है इसका आगे। पहले अपने परिकल्पनाएं जो आज खत्म हो गई है, परिकल्पनाएं इंपॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट पार्ट हो गया बोर मॉडल का। सेकंड पार्ट जो बोर मॉडल का हम बनाएंगे उसके अंदर आपको क्या करवाएंगे, डेरिवेशन इसका बोर मॉडल का।